हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंचा। तो बात करते हैं जगत दीदी की। काफ़ी दिन से देख रहे हैं गुड न्यूज़, और वो गुड न्यूज़ अभी तक बताए नहीं जा रहे, सिर्फ हाइप क्रिएट किया जा रहा है हर वीडियो के टाइटल में। भाई अगर सिल्वर प्ले बटन या प्ले बटन जो मिला है वो उनको मिला है, भाभी को मिला है ना, वो गुड न्यूज़ उनके चैनल पे है, आपके चैनल पे ऐसी कौन सी गुड न्यूज़ होनी है? क्योंकि वो बेबी वाला भी इन्होंने बताने के बाद कहा कि दो दो गुड न्यूज़ एक साथ, तो वो चीज़ें ये हाइप बनाना है और क्रिएट करना है और कुछ नहीं है, मिसलीडिंग टाइटल्स डाल के। अब इस समय शादी आनी है तो कैसा चाहिए चाहिए, आप लोग समझ रहे हैं। तो अब ये मिसलीडिंग टाइटल्स पढ़ेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ये हो गया वो हो गया, ये भी ये सब चीज़ें भी चालू होंगी। अच्छा, कुछ दिनों से हम ये भी देख रहे थे कि इनको मतलब तकलीफ लोगों से इतनी है कि इनके नाम से अगर कोई फोटो डाल दे, इनकी मतलब वीडियोस डाल दे, फोटो डाल दे, तो इनको बड़ी तकलीफ होती है, मेरे नाम से खा रहे हैं, मेरे नाम से ये कर रहे हैं, या मेरा नाम यूज मत करना, मेरी फोटो ना मत लगाना। एक इनके एंगेजमेंट की वीडियो फोटो थोड़ी बहुत वायरल हुई थी, उसको जाके भी धमकी दे दी कि मैं लीगल जाऊंगी, ये जाऊंगी, वो जाऊंगी। हमें समझ में नहीं आता इसमें लीगल जाने की कौन बात है, सब यूट्यूब की पॉलिसी के अंतर्गत करते हैं, लेकिन इनको धमकाना इतना अच्छा लगता है। फैमिली के साथ मिलके, माँ बेटी भाई सब मिलके सबको धमकाते हुए नजर आते हैं। अब दूसरी शादी का जो है इनका, तो काफ़ी चीज़ें सवाल उठ रहे हैं, लोग उठाएंगे, जब आपको वही लोग आपको प्यार देके उतना ऊपर उठाए हैं, लाखों रुपया आप उन्हीं व्यूअर्स के वजह से कमा रही हैं, तो उन व्यूअर्स के सवालों का जवाब देना भी बनता है। उल्टा घुमा के झूठ बोल के इस तरह की चीज़ें करके ही अपने उसका जवाब देती है, लेकिन असल बात ये कभी नहीं बताती हैं। अब चीज़ें हम आपको बता दें कि इन्होंने कुछ दिन पहले ये बोला था कि जो जगत जीजा हैं सुमित जी, उनका कोई चैनल नहीं है, ऑफिशियल चैनल नहीं है, सब फेक बने हुए हैं, सब उनके नाम से फेक बने हुए हैं। लेकिन अब पता चलता है कि ऑफिशियल है, 10,000 सब्सक्राइबर्स भी हैं उसमें, वो लाइव भी आते हैं। तो हम तो यही पूछना चाहते हैं जगत दीदी से कि अगर ऑफिशियल चैनल नहीं था तो लाइव में उनका डमी बैठाया गया था या पपेट बैठाया गया था, क्या बैठाया गया था? तो ये सब चीज़ें ये झूठ बोलती थी। और चैनल आज से नहीं है, 2-3 साल से भले वो एक्टिव हो नहीं रहे, लेकिन इंस्टा पर वो एक्टिव रहे, फेसबुक पर रहे, अब वो यूट्यूब पर भी एक्टिव हो गए हैं। काफ़ी जगह जाके कमेंट भी करते हैं, खूब जीजा साली वाला मजाक भी करते हैं, सब जगह जाके दीदी 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 सब रिएक्शन वालों के पास जाके सबकी लाइव देखते हैं, सबकी वीडियोस देखते हैं। तो उनको कम से कम जगह दीदी को ये समझाना चाहिए कि भाई अगर तुम्हारा कोई वीडियो बना रहा है तो तुम्हारे ही नाम रहा है, सब तुम्हारी खुशियों पर शामिल है। जो फोटो डाले थे उनका, उनको उन्होंने फोटो तो सब वो किया, स्ट्राइक भी भेजी, पता नहीं क्या क्या कांड किया, तो भाई अब तुम्हारी खुशियों में ही तो थे, वो खुशी तो मना रहे थे, उसमें लीगल जाएंगे धमकी देना ये सब कौन सा तरीका है? अच्छा, और भी समझाना चाहिए कि अब अगर पैसा देख के घमंड है, देखिए ये कहीं ना कहीं पैसा देख के शादी है, ये तो हम लोग को भी समझ में आ रहा है, बहुत है मेरे से 10 गुना है, ये गुना है, वो गुना, वो तो देख के देखे समझ में आ जाता है कौन किस उस पर है। इनका भी किस क्लास से ये उठ के आई है यूट्यूब की बदौलत, ये आप लोग के सामने है। अगर ये नाचती गाती ना तो इतना उठ के हर कोई नहीं आता है, बहुत से लोग व्लॉगर हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे व्लॉग्स डालते हैं, उनको कोई वो नहीं होता, लेकिन हाँ ये सब जो भी झिंग झिंग करके डांस करना ये सब, तो ये इनका किस्मत की वजह से आदमी चल गया, तो उस पर ये चीज़ें घमंड करना, मेरे तो 10 लाख सब्सक्राइबर, मेरे तो 12 लाख सब्सक्राइबर, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत दिशा में मोड़ ले रही हैं, और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, और उन सवालों का जवाब जो है वो भी सही से नहीं दिया जा रहा, बहुत गुरूर के साथ दिया जा रहा है। ये गुरूर तब कहाँ गया था जब रो के पति की डेथ का पूरा सीन क्रिएट करना कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, रो के सिंपैथी करना, किसी के भी पार्टी में जाना वहाँ पर जाके फालतू का रोना धोना, एक तो हाइप क्रिएट करना, एक मजबूरी दिखाना, एक रोना, और सब उनको मनाए, ऐसी वीडियोस बनाए, उनके आसपास मटराएं, उनकी जी अजूरी करें, तब जो है ये गुरूर कहाँ गया था? तब ये गुरूर नहीं दिख रहा था, गुरूर अब दिख रहा है कि अब तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, 10 बार अभी 10-12 लाख में 2-4-5 लाख भी अगर अनसब्सक्राइब कर देना और नॉट रिकमेंडेड में डाल दे तो अभी ये गुरूर जो है वो आधा रह जाएगा, खत्म जल्दी। देखे 10-12 लाख लोग तो बंद नहीं कर देंगे, लोग देखने के लिए जाएंगे जाएंगे, इसीलिए सब्सक्राइब किया है, लेकिन जिनको अकल आएगी वो अगर बंद कर देते हैं तो समझ जाइए क्या होगा। तो YouTube के बदौलत अगर आप सोचिए कि हम बहुत हाइप क्रिएट कर देंगे, बहुत घमंड कर लेंगे, बहुत बिल्कुल सबको हम धमकी दे देंगे सबको, तो ये चीज़ें नहीं है। अब लोगों को पता चल गया है कि लीगल जो करते हैं वो राइट्स हैं जिनके, फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई, ना तो कोई गलत बोल रहा है, ना तो कोई गाली दे रहा है, ना तो कैरेक्टर एसिनेशन कर रहा है। हाँ, सवाल जरूर उठा रहे हैं, और रिएक्शन वाले अपना जो भी आप वीडियोज डाल रहे हैं उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन उस पर अब ये कुछ ज़्यादा ही वो करने लगी थी।
तो ये चीजें इनके जगत जीजा को भी समझानी चाहिए कि भाई इस तरह का चीजें करेंगी तो ऐसा है वैसा है, आगे जाके दिक्कत आएगी, आगे जाके आप ही का नाम खराब होगा। ये चीजें भाई शादी कर रहे हो तो समझाने का भी फर्ज है। अब इतने साल से जान पहचान तो है ही, इतना तो समझा ही सकते हैं। बहुत लोग कह रहे थे 25 साल के या 27 साल के, तो अब लाइव आके समझ में आ गया है, बालों की सफेदी, दाढ़ी की सफेदी, सारी चीजें देख के। तो ये चीज तो देखिए मानी हुई बात है कि 25-27 का कोई चक्कर नहीं है। हाँ, वो अगर 38-40 की है तो ये 33-34 के जीजा है ही है, कुछ 5-7 साल का ही छोटा ही बड़ा ही होगी। 8-10 साल का जो बता रहे थे वो मुझे थोड़ा सा नहीं लगा है। तो जो चीज गलत होगी तो मैं उस पर भी बताऊंगी कि ये चीज गलत है। जब तक लाइव नहीं आया था वीडियोस पे तो नहीं पता चलता, लेकिन लाइव में आके सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो बस आप लोग की कह रहे हैं मेरे इस बात पे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा क्या दीदी जी सही कर रही हैं, जो भी कर रही हैं करी रही थी, क्या इतना घमंड इनको सिर्फ यूट्यूब की बदौलत? क्योंकि देखिए एजुकेशन के नाम पे हम लोग को भी पता है कौन कितना ऊंचा है, कौन किस पोस्ट पे हो सकता है। अगर यूट्यूब बंद हो जाए तो हम लोग का क्या है? हम लोग का एजुकेशन भगवान ने ये पढ़ाई लिखाई इतनी दी है, माँ बाप ने इतना किया है कि यूट्यूब बंद हो गया तो कहीं भी आराम से कोई भी जॉब करके घर आदमी चला ही लेता है, और हम लोग को यूट्यूब की वजह से नहीं चल रहा है। अब कहने को तो है रिएक्शन वाले हमारे नाम से खा रहे हैं, रिएक्शन वालों की अगर इनकम आप लोग स्क्रीनशॉट सबसे ले लें तो आप लोग को पता चल जाएगा कितना कोई कमा रहा है और कितना घर भर ले रहा है। हाँ, रिएक्शन वालों की वजह से, अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स की वजह से, खाली रिएक्शन नहीं कह रहे, देखिए सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स की वजह से आप लोग का पूरा घर बन गया है, जितने भी ब्लॉगर्स हैं। तो इनका धन्यवाद देना चाहिए, यूनिवर्स को धन्यवाद देना चाहिए, सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि अपने अंदर ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है। और वही सब चीजें खोके सिर्फ अहंकार होना, ये चीजें गलत लगती हैं। चलिए वीडियो यहीं खत्म करते हैं, लाइक कर दीजिएगा, अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।